हेलो एवरीवन, अगर आप भी हेयर ग्रोथ के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपके बाल भी हेल्दी हो तो आप ये होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। इस होम रेमेडीज़ को बनाना बहुत ही ईजी है। इसको बनाते कैसे है इसकी फुल वीडियो मैं आपको सेकंड पार्ट में अपलोड करके दूंगी यूट्यूब पर ही। तो अभी तो मैंने ये केराटिन मास्क बनाया है, जो आप पार्लर वाले यूज करते हैं वही मास्क मैंने घर पर बनाया। तो अगर आप इस हेयर मास्क को बनाना चाहते हैं तो इसकी फुल वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर जल्दी अपलोड कर दूँगी सेकेंड पार्ट में। तो जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बालों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमें ये कितनी देर तक रखना है, हमें हेयर वॉश से एक घंटे पहले तो ज़रूर लगाना है और एक घंटे बाद हमें हेयर वॉश कर लेना है अपनी फेवरेट शैम्पू से। तो चलिए इसको लगाते कैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें बालों के अलग अलग पार्टीशन करने हैं और इसको बिल्कुल केराटिन मास्क की तरह देखिए ऐसे इसको लगाना है। इससे आपके बाल इतने सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, साथ ही स्मूथ भी होंगे और हेयर ग्रोथ तो आपकी होगी होगी और साथ ही हेल्दी भी होंगे, क्योंकि इसमें केमिकल वाली कुछ भी चीज़ नहीं है। ये बहुत ही मतलब कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसकी दूसरी वीडियोस को बनाते कैसे केराटिन हेयर मास्क को मैं दूसरे पार्ट में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर के इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोस। मैं कोई भी होम रेमेडीज लाती हूँ, लाने से पहले मैं उसको खुद लगाती हूँ महीने भर तक। अगर मुझे उसका बेनिफिट्स मिलता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तभी मैं उसे आप लोगों तक लेकर के आती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ मुझे बेनिफिट्स मिले हैं तो मेरे फ्रेंड्स को भी मिले, बिकॉज हम भी मेरे फैमिली जैसे हैं, इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, तो मैं अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखती हूँ। देखिए इस मास्क को मैंने आगे आगे तो लगा लिया है, अब मैं इसको पीछे की साइड भी लगाऊंगी और सारे बालों में अच्छे से लगाऊंगी। आप इसे इतना बनाए जो आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ये आपका हेयर मास्क लग जाए और अच्छे से चल भी जाए। तो देखिए स्कैल्प में मेरा लग चुका है सारा, ये अब रह गई है मेरी लेंथ। अब मैं लेंथ में इसको लगा रही हूँ और सबसे मेन बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे बाल हेल्दी होते हैं बहुत ही, और बालों में साथ ही साथ शाइनिंग भी आती है। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा केराटिन हेयर मास्क है, पार्लर वाले से बिल्कुल नहीं बताने वाले इसलिए मैं बता रही हूँ। और आप जल्दी जल्दी वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आप देख सकते हैं मेरे लगभग ये सारे बालों में लग चुका है। और ये ओनली दो इंग्रेडिएंट्स मिला मिक्स करके बन जाता है, वो दो इंग्रेडिएंट्स का क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में नहीं। फिर मास्क मेरे सिर में लग चुका है, पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने। और अब मैं क्या करूँगी अपने बालों का, एक घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूँगी बन बना करके, एक घंटे बाद मैं करूँगी हेयर वॉश। ये देखिए मैंने ये हेयर मास्क लगा करके इस तरीके से बन बना लिया। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं जल्दी न्यू पार्ट में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर।